मैं डॉक्टर सुदीप चरण, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, बरेली से आप लोगों से मुखातिब हूं। 24 मार्च वर्ल्ड टीवी डे है। कोई भी दिवस मनाने का मेन मुख्य प्रयोजन उस संबंधित समस्या के बारे में प्रमुखता हासिल करना, प्रमुखता देना और अपने मन ही मन एक प्रण करना होता है। क्या आवश्यकता है इस दिवस की? अगर हम देखें, अगर भारतवर्ष के आंकड़े पिछले वर्ष 2.6 मिलियन केसेस ट्यूबरक्लोसिस के थे, औसत रूप में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पे 200 केसेस ट्यूबरक्लोसिस के थे, दुर्भाग्य से करीब 4.5 लाख इसके अंदर मौतें हुई एवं हमारे जो MDR रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होती है उसका आंकड़ा भी 1.25 लाख पार कर गया। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिवस को हम बहुत गंभीरता से मनाएं। गंभीरता में अगर एक सीमित शब्दों में मैं कहना चाहूँ, पहला उद्देश्य, हम डॉक्टर का फर्ज बनता है ट्यूबरक्लोसिस को प्रारंभिक स्टेज पे ही उसके डायग्नोस करें। दूसरा, यदि पेशेंट को हमने ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस किया है उसको एजुकेट करें कि वो अपना पूरा कोर्स करे। तीसरी बात, जो हमारे सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो लागू किए गए हैं जहाँ पर कि दवाएं एवं जांचें मुफ्त हैं, जो मरीज हमारे निर्धन हैं और जिनके पास साधन नहीं है उनको हम गवर्नमेंट के संस्थानों में भेज के उनका समुचित उपचार करवाएं एवं मरीज को इस बात का जानकारी दें कि दवा बिना तोड़े ले, नहीं तो MDR बन जाएगी। टीबी के प्रसार को रोकना, टीबी के उपचार को और सुरक्षित करना एवं MDR ट्यूबरक्लोसिस को रोकना, यही इस दिवस के लिए अगर हम प्रतिबद्ध हो जाएं, एक प्रतिज्ञा करें तो शायद इस दिवस की सार्थकता होगी। धन्यवाद।